हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बानो। आज मैं आपके साथ बैंगलोर मुस्लिम स्टाइल बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक गेस्ट आ जाए तो भी आप इसे बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं बिरयानी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने करीब करीब 4 मीडियम साइज़ के ऑनियन को चॉप कर लिया है। 1 किलो गोश्त के हिसाब से मीडियम साइज के 4 ऑनियन। मैंने 200 ml की जितना ऑयल ले लिया है। मैंने गैस पे कुकर रख दिया है। अब मैं इसमें पकाना स्टार्ट करूंगी। कुकर गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। ऑयल गरम होने आ चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। मैंने 4 लौंग, 4 इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा जीरा लिया है। अब मैं ये सारा ऑनियन में डाल दूंगी। इसे मैं अच्छे से ऑनियन के साथ फ्राई कर लूंगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी बिरयानी में। मैं इसमें 1 टेबलस्पून की जितना देसी घी डालूंगी। देसी घी से अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। प्याज लाइट गोल्डन होने आ चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया डालूंगी। मैंने हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया को पहले से ही चॉप करके रख दिया है। अब मैं ये सारा इसमें डाल दूंगी। इसे मैं अच्छे से भून लूंगी ऑयल में। मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी। मैंने करीब करीब 4 टेबलस्पून की जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी। बैंगलोर की बिरयानी में जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैं अच्छे से भून लूंगी ऑयल में। इसे स्किप स्मेल भी कम हो जाएगी जिंजर गार्लिक पेस्ट की। मैं इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डाल दूंगी। मैंने करीब करीब 1.5 टीस्पून की जितना लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। मैंने करीब करीब 1 किलो गोश्त लिया है। मैंने इसे धो के रख दिया है। अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी कुकर में। मैं मटन को मसाले में अच्छे से फ्राई कर लूंगी। मैं
मैंने गोश्त को तेल में अच्छे से भून लिया है और मसाले में इसे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बैंगलोर मुस्लिम स्टाइल की बिरयानी है, शादियों में ये बहुत बनती है बैंगलोर में और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है इसका। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, मैंने करीब करीब आधा किलो के जितना टमाटर लिया है। अब मैं इसे गोश्त में डाल दूंगी और इसे अच्छे से भून लूंगी। मैं 1/4 टीस्पून के जितना नमक डालूंगी, पहले ही मैंने डाल दिया था, अब थोड़ा डालूंगी। इसे टमाटर भी अच्छे से डल जाएंगे नमक से, नमक डालने से टमाटरों को मैं अच्छे से भून लूंगी। मैंने टमाटर को गोश्त में अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें 1/2 गिलास के जितना पानी डाल के 5 विजल ले लूंगी। मैंने 1/2 गिलास के जितना पानी डाल दिया है, अब मैं 5 विजल ले लूंगी। इसके लिए मैंने चूल्हे पे पानी रख लिया है। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, मैंने करीब करीब 1 किलो चावल लिया है उसके हिसाब से मैं नमक डाल दूंगी। आप नमक आप अपने हिसाब से डालिए और साबित गरम मसाला डाल दूंगी। मैंने लौंग इलायची और दालचीनी लिया है, इसे भी मैं पानी में डाल दूंगी। अब मैं पानी को अच्छा बॉईल आने छोड़ दूंगी। पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है, अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। मैंने करीब करीब 1 किलो जीरा सांभर चावल लिया है। बैंगलोर की बिरयानी में यही चावल पड़ते हैं, इसी से अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। आप यही चावल यूज करिए। चावल को मैं सिर्फ 50% तक कुक करूंगी, बाकी का वो मसाले में पक जाएगा। चावल को मैंने 60% तक कुक कर लिया है, अब मैं इसे निथार दूंगी। बहुत अच्छे से गल चुका है, अब मैं इसका सारा ऑयल निकाल दूंगी। इसमें मैं सारा ऑयल निकाल दूंगी। इसे मैं अलग रख दूंगी। अब मैं इस गोश्त को दूसरे भगोने में शिफ्ट कर दूंगी जिसमें मैं बिरयानी पकाऊंगी। अब मैं सारा गोश्त इसमें शिफ्ट कर दूंगी। इसमें मैं 2 नींबू का रस डाल दूंगी। इसे मैं चूल्हे में रख दूंगी। मैंने इसमें 3 हरी मिर्ची डाल दिया है। बिरयानी का मसाला तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी जिसे मैंने निथार के रख दिया है। इसे मैं मिक्स करते जाऊंगी। मैंने सारे चावल इसमें डाल दिया है, अब मैं ये चावल को ऊपर नीचे कर दूंगी, अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी। मैंने सारे चावल को ऊपर नीचे कर दिया है, अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी जो तेल मैंने अलग करके रख दिया था पहले से ही। अब मैं बिरयानी को दम दे दूंगी।
इसे मैं 15 मिनट तक दम पे रख दूंगी। बिरयानी दम हो चुकी है, अब मैं इसकी प्लेटिंग कर दूंगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप इसे जरूर ट्राई करिए, बहुत ही आसान सी बिरयानी है ये। बैंगलोर मुस्लिम स्टाइल बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। बैंगलोर की शादियों में ये बहुत बनती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।